नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों के कटान का मामला हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर मुहर। धामी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर। अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी। 10% क्षैतिज आरक्षण भी पास। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज ने हिस्सा लिया। मीटिंग में मंत्रिमंडल ने अनुपूरक बजट पर सहमति जताई है। कैबिनेट के मुख्य बिंदु। मानसून सत्र में करीब 11,100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट होगा पेश। राज्य के कर्मचारियों की तरह दैनिक वेतन कर्मी महिला को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। संविदा आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की मिला मंजूरी। संविदा या आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल देखरेख अवकाश देने की मिली मंजूरी। तकनीकी विश्वविद्यालय से होगी लॉ कोर्स की एफिलिएशन। जल विद्युत नीति में किया गया संशोधन। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो रहे अवैध निर्माण और पेड़ों के कटान के खिलाफ देहरादून निवासी अनुपंत द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांगी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने अवैध निर्माण और पेड़ कटान में लिप्त लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हादसे के 1 महीने बाद भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। 13 लापता लोगों की हो रही तलाश। बीते 3 अगस्त को केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में भीषण आपदा आई थी। इस आपदा में पाई टूटने के कारण 3 दुकानें ध्वस्त हो गई थी। साथ ही इस लापता में 23 लोग लापता हो गए, जिनमें से मारे गए 10 लोगों के शव मंदाकिनी नदी से बरामद हो चुके हैं। गौरीकुंड हादसे में अभी भी 13 लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सितारगंज पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे की गिरफ्तारी पर रोक। हाईकोर्ट ने याचिका भी की निस्तारित। सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले में न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही याचिका भी निस्तारित कर दी है, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने राहत की सांस ली है। विधायक सुमित हृदय ने मानसून सत्र को बताया दिखावा। कहा, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही सरकार। आगामी मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने सरकार को घेरा है। उनका आरोप है कि सरकार सत्र मात्र दिखावे के लिए आउट कर रही है। इतने कम समय में सत्र के प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा कैसे करेगी? जब भी विधायकों के सवाल का जवाब देने का समय आता है तो सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। 6 सितंबर को विधानसभा कूच करेंगे उपनल कर्मी। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बोलेंगे हल्ला। प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपनल कर्मचारियों की 7 सूत्रीय मांगे हैं। इन मांगों को लेकर उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 6 सितंबर को विधानसभा कूच करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। उत्तरकाशी में पुतला दहन। रामनगर गैरसैंण में कल बाजार बंद। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, लिंक मार्गों समेत वनभूमि से अतिक्रमण हटाने और चिन्हीकरण का कार्य जारी है। इससे हजारों होटल, दुकान समेत अन्य कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि उनके रोजगार का जरिया तोड़ा जा रहा है, जिससे उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। कुछ लोगों को ने भेदभाव का भी आरोप लगाया है। रामनगर और गैरसैण में कल दुकानें बंद रखने का ऐलान किया गया है। धामी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर। अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी। 10% क्षैतिज आरक्षण भी पास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मीटिंग में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें मुख्य रूप से 5 सितंबर से विधानसभा में आयोजित होने जा रहे मानसून सत्र के लिए अनुपूरक बजट पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है, जिससे मानसून सत्र में करीब 11,100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। प्रेमचंद अग्रवाल ने किया फैसले का स्वागत। पीएम मोदी का जताया आभार। मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने की कोशिश में लगी हुई है। इस सिलसिले में 28 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव की खबरों के बीच सियासी गलियारों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव को लेकर की गई पहल का कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समर्थन किया। इसके लिए प्रेमचंद अग्रवाल ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। पुष्पा ने एडिशनल एसपी का घर भी नहीं छोड़ा। आंगन में खड़े चंदन के पेड़ काट कर ले गए चोर। उत्तराखंड में लगता है कि चोरों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। तभी तो अब चोर पुलिस के घर में भी हाथ डालने से नहीं कतरा रहे हैं। ताजा मामला पौड़ी जिले के श्रीनगर से सामने आया है। यहाँ चोरों ने पुष्पा फिल्म के स्टाइल में एडिशनल एसपी के आवास में धावा बोला और रात के गुप्त अंधेरे में बड़े बड़े चंदन के पेड़ों पर आरी चलाकर उन्हें साफ कर दिया। पहाड़ी गिरने से नच हुआ बंद। 1.5 इंच खिसका क्वारब पुल। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जाने वाले यात्री इस रूट से जाएं। उत्तराखंड में बारिश का कहर भले ही थम गया हो, लेकिन कुदरत की मार जारी है। अल्मोड़ा नैनीताल नेशनल हाईवे क्वारब पुल के पास पहाड़ी दरकने से बंद हो गया पुल को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं हाईवे बंद होने के कारण अब नैनीताल से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़
जाने वाले वाहनों का रूट बदला गया है। 10 लाख के लोन के नहीं चुकाए किस्त, चेक हुआ बाउंस, अब हुई जुर्माने के साथ जेल की सजा। चेक बाउंस के आरोपी को 6 माह का कारावास हुआ। इसके साथ ही 9.05 लाख रुपए कंपनी को और 5,000 रुपए राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है। मामला करीब 7 साल पुराना है। ऋषिकेश निवासी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था। जोशीमठ भू धसाव संकट, सरकार ने गंभीरता से नहीं ली हाईकोर्ट के आदेश, खंडपीठ ने मुख्य सचिव को किया तलब। जोशीमठ लैंडस्लाइड केस को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज 1 सितंबर को सुनवाई हुई। जोशीमठ को लेकर पूर्व में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, जिस पर आज की सुनवाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को कोर्ट में मुख्य सचिव को तलब किया है। 5 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आ चुके हैं। 600 से ज्यादा सवाल, ढीले अफसरों को स्पीकर की फटकार। उत्तराखंड विधानसभा 3 दिवसीय मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होने वाला है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष हेतु खंडूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मानसून सत्र में सरकार सप्लीमेंट्री बजट भी पेश करने जा रही है। हल्द्वानी में नगर निगम पार्षद के बेटे को दमगई करना पड़ा भारी, मारपीट और लूटपाट करने का आरोप, मुकदमा दर्ज। शहर में एक नगर निगम पार्षद के बेटे और उसके दोस्तों पर दमंगई कर मारपीट और लूट करने का आरोप लगाया। साथ ही पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मारपीट, गाली गलौज और लूटपाट के मामले में नगर निगम के पार्षद के बेटे के खिलाफ वनबुलपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस मामले की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अदरक की खेती, जौनसार 52 मात्रा की फसल से लहलहा रहे खेत, किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद। उत्तराखंड का जौनसार बावर का इलाका अनाज, फल, सब्जियां और मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इन दिनों जौनसार 52 मात्रा की फसल लहलहा रही है। पिछली बार किसानों को अदरक के दाम बढ़िया नहीं मिल पाए थे, इस बार उन्हें ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। टेम्पो चालकों को शीशे पर ट्रैफिक इंचार्ज और आपातकालीन नंबर लिखना होगा अनिवार्य। यात्रियों के भयमुक्त सफर को आसान बनाने के लिए ऋषिकेश पुलिस ने कमर कस ली। ऐसी कड़ी में अब टेम्पो चालकों को शीशे पर पुलिस कंट्रोल रूम का आपातकालीन और ट्रैफिक इंचार्ज का मोबाइल नंबर लिखना जरूरी होगा। साथ ही टेम्पो चालकों को यात्रियों से मृदु व्यवहार बनाने की अपील की गई है। खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी पर सीएम धाम ने दिए शहीदों को श्रद्धांजलि, बोले राज्य आंदोलन में अपनों को खोया। आज खटीमा गोलीकांड की बरसी है। पूरे उत्तराखंड में लोग खटीमा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्य सिंह धामी ने भी खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धाम ने कहा कि हमने राज्य आंदोलन के दौरान अपनों को खोया है। मामूली कासुनी में सो रहे युवक को ईंट से हमला कर किया घायल, इलाज के दौरान मौत, आरोपी गिरफ्तार। लक्सर में धार्मिक कार्यक्रम में डांस करने के दौरान हुई मामूली कासुनी में दो युवकों में विवाद हो गया था, जिसके बाद गुस्सा एक युवक ने सो रहे दूसरे युवक पर सीमेंट की ईंट से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। आबकारी विभाग में कच्ची शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। लक्सर डेरा गांव में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के साथ एक तस्कर को अरेस्ट किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में लहन मौके पर नष्ट किया। साथ ही पुलिस का कहना है कि शराब तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वन निगम के एमडी समेत कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी में हो सकता है बदलाव, सीएम के अनुमोदन के बाद सूची होगी जारी। उत्तराखंड में कुछ IFS अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव हो सकता है, जिसकी सूची बनने पर विभाग में खलबली मची हुई है। जबकि अवैध पातन के मामले में चक्राता DFO भी निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि इस मामले में पहले ही कई कर्मियों पर निलंबन की गाज गिर चुकी है। वन निगम के MD समेत कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी में हो सकता है बदलाव, सीएम के अनुमोदन के बाद सूची होगी जारी। उत्तराखंड में कुछ IFS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है, जिसकी सूची बनने पर विभाग में खलबली मची हुई है। जबकि अवैध पातन के मामले में चक्राता DFO भी निशाने पर आ सकती है, क्योंकि इस मामले में पहले ही कई कर्मियों पर निलंबन की गाज गिर चुकी है। CUET से एडमिशन की बाध्यता शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन, एसोसिएशन ने किया धमाकेदार खुलासा। एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उत्तराखंड ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा छात्रों का मौलिक अधिकार है, शिक्षा से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि इससे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होता है। CUET पर बड़ी बात, एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उत्तराखंड के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने कहा कि CUET के संबंध में 28 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एवं जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी के LLB प्रवेश की एक अधिसूचना पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल ने यह स्वीकार किया कि CUET सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यता नहीं है, प्रवेश में विश्वविद्यालय को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। उन्होंने जनहित याचिका का हवाला देते हुए कहा कि याचिका में कहा गया था कि CUET से एडमिशन की बाध्यता संविधान के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार एवं संविधान के आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन है। CUET की बाध्यता से मुक्त है गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय। माननीय कोर्ट में केंद्र सरकार की स्वीकारोक्ति अपने आप में सिद्ध करती है कि विश्वविद्यालय को प्रवेश के संबंध में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय
इससे प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा UGC को भेजे गए 15 मार्च 2022 के पत्र द्वारा 10 केंद्रीय विश्वविद्यालयों असम यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, NEHU यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी को जागरूकता और साधनों के अभाव के कारण CUET की बाध्यता से मुक्त कर रखने के लिए कहा गया था। वहीं केंद्र सरकार के पत्र में उल्लंघित 10 विश्वविद्यालयों में से कुछ विश्वविद्यालय बिना CUET के ही छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं। तो फिर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्यों लागू किया CUET? उक्त पत्र में केंद्र सरकार ने स्वयं ही UGC को इन विश्वविद्यालयों को CUET की बाध्यता से मुक्त रखने को कहा है। अगर कोई छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में बिना CUET के प्रवेश हेतु सर्च करता है तो उसे दिखाई देता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से 10 विश्वविद्यालय बिना CUET के छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के बयान को बताया भ्रामक। ऐसे में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति का बयान भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। एक तरफ केंद्र सरकार यह मानती है कि विश्वविद्यालय को प्रवेश में पूर्ण स्वायत्तता है, कोर्ट में भी इसे स्वीकार करती है, UGC को पत्र भी भेजती है। दूसरी तरफ गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति कहती है कि केंद्र सरकार और UGC ने बिना CUET के प्रवेश को मना कर दिया है। छात्रों से ही कॉलेज और विश्वविद्यालय, इससे छात्रों की शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन है। कुलपति से उम्मीद है कि वह छात्र हित में निर्णय लेंगी। एम्स ऋषिकेश के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के घर में चोरी, केरल गया हुआ था परिवार। अपने घर केरल गए एम्स ऋषिकेश में तैनात एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के किराए के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 3 तोला जवाहरात सहित कई कीमती सामान चोरी कर और चंपत हो गए। नर्सिंग स्टाफ के साथी की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। विडम्बना, उत्तराखंड में 52 ITI कॉलेजों पर लटके ताले, छात्रों का मोह भंग। प्रदेश सरकार लगातार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी ITI कॉलेज खोलकर युवाओं को रोजगार पर शिक्षा से जोड़ने की कोशिशें कर रही है, लेकिन सिस्टम की बेरोकी और संसाधनों के अभाव के चलते प्रदेश में संचालित 52 ITI कॉलेज में ताले लटक चुके हैं। ऐसे में अब बंद ITI का सामान दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया जाने लगा है। पोस्ट ऑफिस, आपके बुढ़ापे को सुरक्षित करेगी पोस्ट ऑफिस की स्कीम, दूसरों पर नहीं रहेंगे डिपेंड। यदि आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में आप अटल पेंशन योजना स्कीम लेकर बुढ़ापे में पेंशन ले सकते हैं। साथ ही आपकी निर्भरता दूसरों पर भी कम होगी। वन विकास निगम ने दी आउटसोर्स कर्मियों को राहत, वापस लिया पुराना फैसला। उत्तराखंड वन विकास निगम ने आउटसोर्सिंग कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखाने पर फैसले पर यू टर्न ले लिया है। वन विकास निगम ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत देते हुए अपने पूर्व के आदेश को निरस्त करने का फैसला किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।